Assalamu alaikum everybody. आज हमारी इंग्लिश कॉम्पोजिशन की सेकेंड क्लास है. अर्लियर आई थॉट कि मैं आपको करेक्शन ही को कंटिन्यू करवाऊं, बट लेटर ऑन आई थॉट कि टेंसेस वुड बी और शुड बी अ बेटर स्टार्ट. ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह की आज की क्लास में हम टेंसेस को कवर करेंगे. वैसे तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक नहीं आए आप लोगों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा डिफरेंटली कवर करके आपको समझाने की कोशिश करूं. ठीक है, ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड टेंस, ये जो लफ्ज टेंस है ये डिराइव कहां से हुआ और इसका मतलब क्या है. लेकिन जिस तरह उर्दू जबान है इसमें मुख्तलिफ जबानों से अल्फाज इकट्ठे किए गए. उर्दू का तो आपको पता भी होगा इसको लश्करी जबान कहते हैं, क्योंकि अरबिक लैटिन पता नहीं कौन कौन सी जबानों से अल्फाज यहाँ पे डाल के उन्होंने उर्दू बना दी. सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत से लफ्ज हैं जो कि दूसरी जबानों से उन्होंने ड्राइव करके एड किए हुए हैं. वन इज टेंस. अब ये जो लफ्ज टेंस है इसको लैटिन वर्ड टेम्पस से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब है टाइम, वक्त. ठीक है, अब होता क्या है टेंसेज में, क्या होता है कि बेसिकली यू नीड टू गेट टू नो कि भाई आप मुख्तलिफ औकात के हिसाब से आपको बात करना आनी चाहिए, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्राइमरली व्हेन यू लुक एट द सेंटेंस, जब भी आप किसी सेंटेंस की तरफ देखते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या ये फ्यूचर है, या इवन जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सब कैटेगरीज हैं ये उनमें से कोई है, कैसे पता लगता है. दो चीजें होती हैं बुनियादी जो आपको हेल्प आउट करती हैं इसको अंडरस्टैंड करने में एंड टू हिट द बुल्स आई, यार ये कौन से टेंस में जुमला लिखा हुआ है, वो कौन सी है. नंबर वन, जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक तो आपको वो एट टाइम्स हेल्प आउट करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टेंस है, और सेकेंडली जो चीज आपको मजीद हेल्प आउट करती है आइडेंटिफाई करने में वो है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन से अल्फाज हैं, हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सारे जो है इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. तो प्राइमरली देयर आर टू थिंग्स which help you in identifying the actual tense. यार अच्छा present है, past है, future है, और उसमें further sub tense भी कौन सा है. ठीक है, number one is helping verb and number two is verb. ये दो चीजें मदद करती हैं. यहां तक clear है, कोई confusion तो नहीं है. जी, all clear till here. Okay. अच्छा, अब एक चीज होती है उसको हम कहते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, या बुनियादी जो ढांचा होता है, या बुनियादी जो ढांचा होता है, नॉट दी ढांचा, द ढांचा, कि एक जुमले का बुनियादी ढांचा क्या होता है अंग्रेजी जबान में. तीन चीजें होती हैं जो कि मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं, वो कौन सी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन तीनों में जब एग्रीमेंट होता है तो इसको हम कहते हैं कि जी ये सेंटेंस बन गया. ठीक है, इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज अगर मिसिंग होती है तो हम उसे कहते हैं कि यार ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है, तो किसी भी जुमले में तीन बुनियादी चीजें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीनों चीजें मिलती हैं जब, यानी आप ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस. और फर्दर अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ेंगे तो वो तो पता नहीं 50,000 चीजें बंदा जुमले में और भी डाल सकता है कि ये भी हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है. इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज मिसिंग हो सेंटेंस में तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहते. ठीक है, अब क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते क्योंकि जब इनमें से एक भी चीज मिसिंग होती है, देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जुमले का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कन्वे द मीनिंग और टू कन्वे द मैसेज क्लियरली. राइट, जुमला आप इसलिए बनाते हैं ना मुख्तलिफ अल्फाज से मिला के, ताकि वो आपकी बात को सही तरीके से कन्वे कर सके. राइट, तो अब टेंस जनरली कहां पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वो जो दरम्यान वाली चीज है वर्ब या स्लैश हेल्पिंग वर्ब भी अगर आप कर लें तो यहां पे आप टेंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं और यही से आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सा टेंस है. ऑल क्लियर,
जी ऑल फेयर. अच्छा अब टेंसेस को हम दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, यानी कि जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो उसकी कैटेगराइज उसको किया जाते थे, तीन मुख्तलिफ टेंसेस हैं. कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि हाल, माजी और मुस्तकबिल, राइट. ये होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम. आई होप सो ये सारी आपको पता है, तो उस पर हम डिटेल में गप नहीं मारते, ठीक है. दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. वो कौन से हैं? वो जो हर टाइम्स की चार कैटेगरीज होती है ना, जो हमें सिर्फ नाम की हद तक आते हैं और आगे डिटेल नहीं पता होती, जैसे इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वो चीजें हैं, ठीक है. तो टोटल जो टेंसेज हैं वो हैं 12, लेकिन उसमें क्या है कि तीन आपके प्रिंसिपल टेंस है या जो तीन आपके मेन टेंस होते हैं, ठीक है. तीन आपके प्रिंसिपल टेंस या मेन टेंस होते हैं. रिमेंबर जो पहली क्लास थी करेक्शंस की, उसमें मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल एक बताया था करेक्शंस का, दैट यू आर नॉट सपोज टू चेंज द प्रिंसिपल टेंस ऑफ एन इनकरेक्ट सेंटेंस. कि जो गलत जुमला होता है आप उसका प्रिंसिपल टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट के अंदर रह के उसको ठीक करना है. इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने मर्जी रहे एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन आप प्रेजेंट से पास या पास या प्रेजेंट से फ्यूचर में जंप नहीं करेंगे, याद है. वो बेसिकली प्रिंसिपल टेंस होते हैं तीन आपके, प्रेजेंट परफेक्ट और सॉरी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. फिर उसके बाद हर एक के चार चार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये भी उम्मीद है कि ये सारे नाम भी आपको पता होंगे, तो इस पे भी हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे. ये देखिए भैया ना, वर्ब टेंसेस प्राइमरली तीन टेंसेस है, फिर हर एक के चार चार है. पीछे तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल क्लियर? अच्छा अब यहां तक तो हम सबको चीजें क्लियर है, और हम मेरा ख्याल बचपन से पांचवी छठी क्लास से एटलीस्ट हमने टेंसेस को पढ़ना शुरू किया, ऐसे ही है. मैंने तो मेरे पांचवी छठी क्लास में हमने टेंसेस कराना स्टार्ट किया था, उससे पहले तो एबीसी में ही बजाय रखता था. तो हम बचपन से देख रहे हैं, स्कूल लेवल से हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से ग्रिप बिल्ड नहीं होती, ठीक है. एट टाइम्स होता है दैट यू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, आप बिल्कुल ठीक इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन आपको टेंसेस नहीं आते होते. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी ह्यूज एडवांटेज दैट वन कैन हैव, कि उसे टेंसेस का ना बताओ, लेकिन उसे ये बताओ कि मैं ठीक इंग्लिश लिखता हूं, ठीक है. उसको ये बताओ कि मैं लिखता ठीक इंग्लिश हूं, लेकिन एक टेंसेस नहीं आते. मुझे भी नहीं आते थे फ्रेंकली स्पीकिंग, जब तक मैंने पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया था. तो जब तक पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने कहा यार अब तो वैसे तो मैं इंग्लिश सही लिखता हूं, लेकिन टू टीच दम आई हैव टू लर्न दम, ठीक है. तो फिर मैंने सीख लिया कि यार ताकि बाकियों को भी समझा सकूं. फिर मैंने कोशिश की है फिगर आउट करने की कि आखिर वजह क्या है कि हम बचपन से टेंसेस करते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद हमसे नहीं होते. इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट. कुछ गलत हो रहा है. हम कोई कहते ना कि आप एक ही शाम को अगर एक तरीके से किए जाए और आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करें तो आप बेवकूफ हैं. सुनिए ये बात, मैंने आइंस्टाइन ने की थी या पता नहीं किसने की थी, कि आप एक ही काम को रिपीटेडली एक ही तरीके से कर रहे हो और आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करें तो ये स्टुपिडिटी है और कुछ नहीं है. तो मैंने कहा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूं जिससे एटलीस्ट मैं समझूं और स्टूडेंट्स को भी somehow अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हम इसको ठीक तरीके से कर सकते हैं. तो व्हाट वी वुड डू, मैंने ये ग्रिड प्रिपेयर किया, ठीक है, ये टेबल इसको कहीं ग्रिड कहेंगे आपको चल इतना नाम. मैंने ग्रिड प्रिपेयर और इस ग्रिड के थ्रू फिर मैं आपको पूरा लेक्चर देता हूं. अभी हमारा जो आगे की स्लाइड है ना, वैसे टेंसेस की स्लाइड पे है, मतलब 30-32 स्लाइड है, लेकिन जो मेरा मेन टाइम है वो इस एक स्लाइड पे लगता है. इस एक स्लाइड को अगर आप सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे की स्लाइड में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है.
और हम बचपन में हम किस तरह से करते थे, अभी मैं ये बताता हूँ बचपन में हम कैसे टेंसेस प्रिपेयर करते थे. एटलीस्ट आई प्रिपेयर दैट वे और मुझे कभी भी टेंसेस नहीं आए थे. ठीक है, इंग्लिश आ गई थी, टेंसेस नहीं आए थे. तो लेट्स सी हम किस तरह से बचपन में हम इस तरह से करते थे. प्रेजेंट टेंस उठाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर अगले दिन पास्ट के पीछे पड़ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड द सेम प्रोसीजर विद द फ्यूचर टेंस. ये जो ट्रेडिशनल तरीका था जो मैंने भी इसी से सीखा, बहुत से और लोग भी इसी तरीके से सीख रहे थे, लेकिन रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं निकल रहा था. तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे. आई होप सो कि आप सारों को ग्रेड पढ़ने आता है, कि ग्रेड को कैसे रीड किया जाता है. ठीक है, अगर नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ कि हम जो है ना कॉलम वाइज चलेंगे. ठीक है, हम पहले पहला कॉलम करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे. यानी कि व्हाट वी वुड बी डूइंग, हम पहले करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट, फिर करेंगे पास्ट इनडेफिनिट, फिर करेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट, फिर हम क्या करेंगे आगे जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस. गेटिंग द पॉइंट कि हम किस तरह से चलेंगे. यानी और इंशाल्लाह इस तरीके से आ जाएंगे आपको टेंसेस. चलिए जी, स्टार्टिंग फॉर्म द इनडेफिनिट फॉर्म, जिसको हम सिंपल फॉर्म भी कहते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म. अच्छा, इसमें कुछ ये जो ग्रेड है इसमें कुछ हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स कि यार ये होता है बुनियादी तौर पर इस टेंस में. जो एक्सेप्शंस एक दो आएंगी वो फिर आप आगे की स्लाइड्स में जाके देख लेंगे. पहले हम बुनियादी ढांचा सीखेंगे कि यार बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है टेंस का ना, उसके बाद जो एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही कम है वो फिर हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, तो फंकार नहीं बनना किसी ने कैसे सर, इसमें तो ये आपने बताया ही नहीं, डेलिबरेटली नहीं बताया होगा. प्रेजेंट इनडेफिनिट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. इसको अगर उर्दू में आइडेंटिफाई करना ना, जो हमारा तरीका था जो जुमले जिनका ताम ता है, ती है, ते है, इस तरह के अल्फाज होते हैं वो प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है. लेकिन मेरी बात है कि मैं उस लेवल तक नहीं जा रहा समझाने के लिए, थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूं. प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा. उसके अलावा अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा. ठीक है, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस होगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है. ही और गोज के साथ हमने ई एस लगा दिया, ही क्योंकि सिंगुलर था. अगर ये प्लूरल हो जाता दे हो जाता तो फिर दे गो टू स्कूल. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सीन होता है. नाउ लेट्स कम टू द पास्ट इंडेफिनेट. पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है कि वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होती है. वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होती है. इसमें भी जो हमें बचपन में बताते थे जी पहचान क्या है, वो क्या था जी कि ऐसे जुमले जिनका इख्तिताम ता था, ते थे, ती थी, इसमें होता है, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होता है. तो इसमें हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होती है. फिर आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट में उसने कहा कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे. उसके अलावा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, अभी देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं पर नहीं आया. फ्यूचर इंडेफिनिट में आया कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा विल और शैल का इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दी इनडेफिनिट पार्ट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है. इज दिस क्लियर? और मुझे ये बताएं
कि जो तीनों इनडेफिनेट टेंसेज हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? जो इनडेफिनेट तीनों इनडेफिनेट टेंस है, डू वी हैव एनी कॉमन फैक्टर इन ऑल दीज? हाँ जी, है या नहीं है? जल्दी लिखा करें, थोड़ा सोच नहीं जाते, टाइम इज इनडेफिनेट। देखिए वो तो नेम है ना, जाहिर बात है जब इनडेफिनेट टेंस यूज कर रहे हैं तो वो तो होगा कॉमन। ये जो मैं जनरल प्रिंसिपल्स बता रहा हूं उसमें मैं पूछ रहा हूं कि डू वी हैव एनी कॉमन फैक्टर? अच्छा एक चीज ना, आप लोगों ने थोड़ी सी ना अंडरस्टैंड करनी है अभी से, ठीक है, कि आपने जब पेपर देने भी इवन जाना है ना तो जो सवाल आता है यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन करेक्टली फर्स्ट। आपने सबसे पहले सवाल को समझना सही तरीके से, क्योंकि अगर आप सवाल को समझेंगे सही तरीके से तो फिर आप सवाल के जवाब भी सही तरीके से देंगे, ऐसा ही है ना? यानी अगर आप सवाल को सही से समझेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसका जवाब भी सही से देंगे। अगर आप सवाल को कॉम्प्रिहेंड ही सही नहीं करेंगे तो आप उसका आंसर भी गलत करेंगे या फिर आप डेविएट हो जाएंगे टॉपिक से, डिट्रैक्ट हो जाएंगे अपने जवाब से। तो मेरा यह सवाल था कि जो तीनों इनडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों, इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है? अपेरेंटली नॉट। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर इन तीनों टेंसेज में हमें नजर नहीं आता। वो किसी ने कहा था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने तो तीनों का इकट्ठा पूछा था, मैंने दो का पूछा ही, तो इसका मतलब आपने सवाल को सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। तो जो इनडेफिनेट टेंसेज है उनमें वी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमें जो बचपन में बताई जाती थी पहचान, वो है जी कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जो जुमले एंड अप हो रहे होते हैं वो आपके इनडेफिनेट के जुमले होते हैं। ठीक है, वो आपके इनडेफिनेट के जुमले होते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक और नाम है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है, लेकिन हमने मुख्तलिफ और मुश्किल नामों में नहीं जाना, हमने उन्हीं नामों में जाना है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बात खत्म। नए नामों में जाके बिना वजह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान मैंने आपको बता दी। हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो होता है एम, इज एंड आर। एम, इज और आर का इस्तेमाल होता है बतौर हेल्पिंग वर्ब। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। बहुत ही बचकाना बात है, हर एक को पता है कि इज सिंगुलर के साथ होता है, बट स्टिल इवन इफ वन स्टूडेंट डज नॉट नो आई सपोज दैट आई शुड टेल। ठीक है, मैं तो मैं तुम्हें बताना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब है एम, इज और आर। उसके अलावा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ आई एन जी लगा देंगे, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, ही इज स्टडिंग या ही इज रीडिंग अ नॉवल। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग रही है। ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाते हैं इसको हम ग्रामर में एक और भी नाम इस चीज को देते हैं, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आई एन जी लगती है तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर मैं आगे फ्यूचर में ये यूज करूंगी जी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, तो आपको ये चीज याद रखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या मुराद है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसे स्लीपिंग, गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वर्ड्स लाइक दैट। सिमिलरली जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होती है, जो पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म है यूज की, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर मैं फ्यूचर में पास्ट पार्टिसिपल का लफ्ज यूज करूं
So even then you should be able to recall कि verb की second form जो होती है, उसको हम past participle कहते हैं, ठीक है? So present indefinite continuous हमने क्या लिखा? Let's jump to the past continuous. Past continuous में जो helping verb का इस्तेमाल हुआ, वो था was और were. यानी singular के साथ was और plural के साथ were. जैसे he was going to the school, yeah, they were studying in a group. तो helping verb was और were का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद हमने present participle लगा दिया, यानी first form of verb and ing. ये होता है हमारा past continuous tense. अब आ जाएं future continuous tense पे. Future continuous tense में वो कहता है कि जो helping verb है वो होगा will be, ठीक है? इसको याद रखने shall be नहीं करना है, ठीक है? Will be यूज होगा. Helping verb जो future continuous में यूज होगा वो होगा will be, और उसके बाद हम present participle लगा देंगे, यानी के first form with ing. He will be going to the college tomorrow. He will be going to the college tomorrow. He will be visiting the doctor after three days. He will be visiting the doctor after 3 days. Getting the point? अब मुझे ये बताएं कि जो continuous tense है, तीनों जो continuous tense है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? क्या चीज है जो तीनों टेंसेज में होती है, तीनों कॉन्टिन्यूस टेंसेज में कॉमन है? व्हाट इज दैट? वेरी गुड. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो हमें पता लग गया कि यार ये जो इनडेफिनेट टेंस है तीनों, इसमें कहीं पे भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों अलग है. लेकिन जो कॉन्टिन्यूस है उसमें हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया है, विच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब सारे के अलग अलग हैं. अब हम चलते हैं परफेक्ट फॉर्म्स की तरफ. यह जो परफेक्ट टेंस हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें क्या हिसाब किताब होता है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हैज एंड हैव. हैज लगता है आपके जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, और हैव लगता है जब सब्जेक्ट होता है आपका प्लूरल, ठीक है? हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है जी. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ऐसा इट इज प्रेफर्ड कि आप विल बी ही का इस्तेमाल करें, शेल बी ना करें, ठीक है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. बाकियों में इट्स ऑल राइट, बाकियों में आई और बी के साथ शेल लगता होता है. अच्छा, फिर हैव और हैव यूज होता है, हैज होता है सिंगुलर के साथ, हैव होता है प्लूरल के साथ, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज. वर्ब की तीसरी जो फॉर्म है वो हम यूज करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में. जैसे शी हैज गॉन टू द यूनिवर्सिटी, शी हैज गॉन टू द यूनिवर्सिटी, दे हैव गॉन फॉर द मेडिकल चेकअप, ठीक है? तो इस तरह के जुमले हो गए, हैज लगा सिंगुलर के साथ, हैव लगा प्लूरल के साथ, और साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ. पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैड, चाहे वर्ब सिंगुलर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अच्छा, बाय द वे आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ए एन और द आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स में कहते हैं द मोस्ट मिसयूज्ड आर्टिकल इज द. पंजाबी दे
अंग्रेजी ते पंजाबी दा दा जिथे लगे उथे ला पंजाबी वाला दा समझ आती है ना आप लोगों के पंजाबी में जो दा होता है यार मेरा दा लग गया यानी कि जुगाड़ लग गई ठीक है मेरा कुछ जैकपॉट लग गया तो कहते हैं कि अंग्रेजी का जो दा आर्टिकल है वो इतना मिसयूज है कि कहते हैं जी अंग्रेजी से पंजाबी का दा जिसे लगे होती ला जिधर दिल लगता है बंदे आंखें बंद करके लगा देते हैं विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट कि मैं ठीक लगा रहा हूं या नहीं सिमिलरली जो टेंसेज है उसमें जो मोस्ट मिसयूज टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करने नहीं आता है लोगों को ठीक है उसका सही जो इस्तेमाल है पास्ट परफेक्ट का वो नहीं आता उस इस्तेमाल को मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर को लेके चलूंगा उसी को हम फॉलो करेंगे ठीक है फिर करेक्शंस का जब हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह अगली उसमें फिर मैं डिस्कस करूंगा कि अच्छा यार दिस इज द राइट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक है उधर मैं आपको प्रिंसिपल भी बता दूंगा समझा भी दूंगा तो मुश्किल नहीं होगी अभी बताया कंफ्यूज होंगे अच्छा हैड की हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हमने किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी ठीक है जैसे ही हैड गॉन टू द स्कूल वो स्कूल चला गया था या जा चुका था अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज विल हैव जिस तरह अभी पीछे था ना कॉन्टिन्यूस में सिर्फ विल भी था शेल भी नहीं था इसी तरह विल हैव प्रेफर्ड यही है हालांकि अभी शेल हैव और शेल भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन सही इस्तेमाल ये वाला है विल हैव तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव का यूज हुआ और साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया अब मुझे ये बताएं कि जो तीनों परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें व्हाट इज द कॉमन फैक्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कॉमन फैक्टर है तो समझ आ रही है बाय द वे सो फार या एनी बस समझ आ रही है चीजें कि नहीं चलो गुड अब हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम स्टार्ट लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से ठीक है प्रेजेंट ये बच्चे सलमान अभी वैसे तो मैं हर उसके साथ मैं दे रहा हूं आपको एग्जांपल्स मैं बोल के दे रहा हूं लेकिन आगे जो स्लाइड है उसमें दे हैव द एग्जांपल्स ठीक है मैंने वही कहा था बेसिक स्ट्रक्चर को बस हम समझेंगे इस ग्रिड पे बाकी आगे की स्लाइड में टेंशन नहीं लेनी एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ है उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ अगर हम आए तो हमें पता लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज बीन और हैव बीन हैज बीन और हैव बीन हैज बीन लगता है सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ जस्ट लाइक हैज एंड हैव जैसा हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ होता है तो हैज बीन और हैव बीन का भी वही हिसाब है प्लस इसके साथ लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ठीक है और दूसरी जो इसके साथ आखिरी चीज लगती है वो होती है सिंस एंड फॉर सिंस और फॉर जिस तरह पास्ट परफेक्ट बड़ा मिसयूज होता है लोगों को इस्तेमाल नहीं आता करने सिमिलरली ये जो सिंस और फॉर है इसका भी इस्तेमाल एक सिग्निफिकेंट मेजोरिटी को नहीं आता दे डोंट नो कि कहां पे सेंस लगना है कहां पे फॉर लगना है या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर तुक्के में दिल के आ जाते हैं कुछ होते हैं जिनको जेन्युइनली पता होता है कि सेंस और फॉर का क्या इस्तेमाल है ठीक है ये इंशाल्लाह बच्चे आज ये कंफ्यूजन भगा के छोड़ूंगा आप लोगों ठीक है अच्छा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें पता लगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं प्लस आइदर सिंस और फॉर इन दोनों में से कोई एक चीज होती है ठीक है जैसे ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग ही हैज बीन इल फॉर द पास्ट थ्री डेज He has been ill for the past 3 days.
अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, ये सिंस और फॉर की जो एक्सप्लेनेशन है भी आगे स्लाइड में आएगी, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। बेसिकली एसएमएस में जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ही का इस्तेमाल की सारी फिल्म होती है। क्या पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप समझ लेना कि व्हाट इज दैट, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल मसला ही नहीं रहता, ठीक है। अक्सर लोगों को पता होता है कि अच्छा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता दोनों में फर्क क्या है, इसीलिए तो ये इस्तेमाल गलत होता है, कॉन्सेप्ट गलत है ना। वो कहते हैं ना वो एक कैसे भूल जाऊं तुम्हें, रट्टा नहीं एक कॉन्सेप्ट हो, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करें भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें पता लगा जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैड बीन, हैड बीन, जिस तरह पास्ट परफेक्ट में था ना हैड, तो ना हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, या सिंस लगा होगा या फॉर लगा होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पता लगा कि हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आइदर सिंस और फॉर। सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जब हम जंप किए तो हमें पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड सिंस और फॉर। नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सिंस और फॉर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, हो सकता है ना एक से ज्यादा भी कॉमन फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, तो कौन से कॉमन फैक्टर हैं परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स में। What is the common factor or factors? Been, very good, plus first form and ing, plus since या for, ठीक है। तो यहां पर भी हमें पता लगा कि common factor exist करते हैं, ठीक है। तो अभी जब हमने grid को complete किया, तो what we came to know is कि सिर्फ जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन सारे टेंसेस में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल हैं। वी हैव सम कॉमन फैक्टर्स जिनको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सर हमें, तो इन कॉमन फैक्टर से आप को याद करने में आसानी होगी कि किसमें क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे कि कहां पे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने मेजरली डिस्कस कर लिया। स्लाइड आपको मिल जाएंगी तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, स्लाइड आपको मिल जानी है। अब ये प्रेजेंट टेंस है, देखिए इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट देखिए, अब ये मैंने वही चीज लिखी हुई है जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ी सी, ठीक है, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें होता क्या है बुनियादी तौर पे, उसमें ये होता है कि आप एक रिकरिंग एक्शन को जो कि रूटीन में वर्क है, रूटीन में डेली रोज का जो काम होता है ना डेली रूटीन का, वो अमूमन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, रोज जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आज गया फिर डेढ़ हफ्ता नहीं गया, अनलेस वो बिगड़ा हुआ बच्चा हो, जैसे कभी पेट में दर्द हो जाता हो, कभी सर में दर्द हो जाता हो, कभी उसकी जो है ना टांग में दर्द होता हो, ठीक है, बांधे मारता हो ना, और वर्ल्डन उससे बड़े बेवकूफ होंगे उन बांधों में आ जाते हो, ठीक है। तो वैसे मूवमेंट बनना बंदा रोज स्कूल जाता है, ठीक है, या खाना खाना, जी मैं खाना खाता हूँ भाई, आप रोज खाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है रूटीन का काम है, रूटीन के काम जो होते हैं वो मूवमेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन सर ऑलरेडी दी हुई है, विल गेट द स्लाइड्स, आप इसको गो थ्रू कर लेना, समझने में आसानी होगी। लेट्स कम टू दी एक्सेप्शंस। लेकिन जब प्रेजेंट इनडेफिनेट का जो जुमला होता है
तो अगर आपने उसका सवालिया जुमला बनाना हो जिसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, या आपने उसका मनफी जुमला बनाना हो जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है, या इवन दोनों का मिक्स बनाना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी तो होता है ना, वो अगर आपने करना हो तो एक चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम तब डू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डू दे प्ले, दे डू नॉट प्ले, इस तरह से। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और आपने या तो सवालिया जुमला बनाना हो या मनफी जुमला बनाना हो, तो उसमें फिर डज या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। अगर आपने डज या डज नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे डज ही प्ले या शी डज नॉट प्ले, इस तरह से करके, ठीक है। अब इन दोनों सूरतों में, इन दोनों सूरतों में डू तो देखें प्लूरल है ऑलरेडी, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगेगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस नहीं लगना होता वर्ब के साथ, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो बेसिकली वो जो एस और ईएस वाला काम है वो हम डू के साथ कर देते हैं, क्योंकि डू इटसेल्फ इज अ वर्ब, डू डिड डन, ठीक है, डू डिड डन। ये तो ये डू ही की फॉर्म में, तो हमने कहते थे कि जब सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देना है, तो हमने डू के साथ जब ईएस लगाया तो वो डज बन गया, ठीक है, जैसे शी डज नॉट प्ले। तो ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो एक्सेप्शन है वो है डू और डज का इस्तेमाल, और इसमें एज सच कोई एडिशनल चीज नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे अगर हम आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है बच्चे, आई इज एन एक्सेप्शन, यू भी, आई और यू, ये आपने मतलब अच्छा किया सवाल उठा के, आई और यू जो है वो एक एक्सेप्शन है जिसमें फिर हम डज नहीं लगाते, हम डू ही लगाते हैं, ठीक है। वो होते सिंगुलर हैं बट दे एक्ट एज प्लूरल, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है ये बेसिकली वो काम इसमें बता रहा होता है जो मौजूदा सूरत हाल में, राइट नाउ जो काम हो रहा होता है ना, करंट पॉइंट इन टाइम में, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, लाइक राइट नाउ आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, एट द मोमेंट, एट द करंट पॉइंट इन टाइम आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एज सच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास एज सच कोई जो है वो एक्सेप्शनल रूल नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाए, इसमें भी ऐसा सच कोई चक्कर नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चक्कर नहीं है, ये कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है, अदर देन फॉर एंड सिंस। सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आई होप कि इसके बाद आप लोग इसकी गलती नहीं करेंगे। एनी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इन तीनों में सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो रहा था, राइट? ऐसे ही था ना, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हर एक में था, एक कॉमन फैक्टर सिंस और फॉर था। तो हम देखते हैं कि सिंस कहां पे यूज होता है और फॉर किधर यूज होता है, ठीक है। सिंस जो है वो हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट टाइम है वो हमें पता हो, ठीक है। जैसे अब ये जो टाइम है इनमें मैं ऐसा करता हूँ कि ना, बेसिकली व्हाट आई डू इज कि मैं शॉर्टेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाता हूँ, यार कि सबसे छोटा टाइम कहाँ है जहां पे सेंस लग सके और सबसे बड़ा कहाँ पे है, ठीक है। जैसे 9 AM, 10 PM, 12 PM, जैसे घड़ी के औकात होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, 11 बज रहे हैं, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, 9 बज रहे हैं, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, देखिए ना, घड़ी के औकात से हम चले गए दिन के औकात में, हो कौन से हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून इवन, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इसमें हम चले गए। अब ये क्या है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। फिर हम इससे भी बड़े लेवल पे चले जाते हैं, नेम्स ऑफ द डेज, जो दिनों के नाम है, ठीक है, जैसे कंप्लीट दिन होता है ना, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हम एक और स्टेप ऊपर चले गए, ठीक है, कि हम घड़ी के औकात से शुरू हुए
घड़ी के औकात से हम दिन के औकात में, दिन के औकात से हम दिनों के नामों पे आए, उसके बाद दिन से बड़ा क्या है हमारे पास, महीने, हफ्तों के तो नाम होते नहीं है ना, हफ्तों के नाम नहीं होते तो वहां पे सेंस सेंस यूज नहीं होगा, ठीक है। महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टिल दिसंबर, ठीक है, तो उनके साथ भी आपके पास सेंस यूज होता है। फिर महीनों से बड़ा क्या होता है, नेम्स ऑफ द ईयर्स, जो सालों के नाम है, जैसे कि भी करंटली 2018 चल रहा है, ठीक है। नहीं अब देखिए ना, फर्स्ट वीक कोई फॉर्मल नेम तो नहीं है ना कि दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, फॉर्मल नेम नहीं है उसका। जैसे मंडे है ना, पी मंडे को मंडे कहते हैं, ठीक है, या जनवरी जो है वो महीने का नाम, इस तरह पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते का कोई नाम नहीं है डेडिकेटेड, ठीक है। जैसे आपका नाम अमारा या आयशा या मेरा नाम शाहजेब है, ठीक है, तो महीनों के नाम हो गए जनवरी फेब, फिर उसके बाद हम ईयर्स पे चले गए, सालों के जो नाम है 2017, 2018, 1947, 1965, 1971, 1971, ये मैं सारे इसलिए कि कॉमन नेम्स ले रहा हूँ क्योंकि ये वो है जो हर हर ईयर के साथ आपकी कोई ना कोई मेमोरी एसोसिएटेड है। 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ। 65 में क्या हुआ था, जंग हुई थी। 71 में क्या हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है। तो वो इसलिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फिर सालों से बढ़ के क्या चीज है, नेम्स ऑफ दी सेंचुरीज, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ये सारे आपकी नेम ऑफ द सेंचुरीज होते हैं। तो ये होते हैं आपके सारे पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक आपको लेके गया हूं कि दिन में जो घड़ी के औकात होते हैं वहां से मैंने स्टार्ट किया और मैं आपको सदियों तक ले गया कि कहां कहां पे सेंस यूज होगा। सेंस का इस्तेमाल थोड़ा क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। वेरी गुड, वेरी गुड हसन, वी हैव बीन स्टडिंग दिस सेशन सिंस 10th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, ये तारीख दे दी ना महीने की, तो वो भी हो गया, वेरी गुड। तो पॉइंट ऑफ टाइम की मैं उम्मीद करता हूं अब आप गलती नहीं करेंगे कि व्हाट डज पॉइंट ऑफ टाइम मीन, ये उससे मुराद होती है जो मैंने सिखाई है। अब आ जाए फॉर पे, फॉर होते पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को उर्दू में क्या कहते हैं, वक्त का दौरानिया, पीरियड ऑफ टाइम को उर्दू में कहते हैं वक्त का दौरानिया। अब यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इसको आप कह लें, पीरियड ऑफ टाइम, वक्त का दौरानिया, पीरियड ऑफ टाइम कह लें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी इसको आप कह सकते हैं कि फॉर एयर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अब जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसमें भी अगर आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे चले तो घड़ी में सबसे छोटा टाइम कौन सा होता है, सेकेंड्स, सेकेंड्स, तो वो 2 सेकेंड हो सकते हैं, फिर उससे दो बड़े, उससे बड़ा क्या फिगर है, यूनिट है, 2 मिनट, 2 घंटे, फिर क्या दिनों पे आ जाए, 2 दिन, दिनों के बाद क्या हफ्ते, 2 हफ्ते, हफ्तों के बाद क्या महीने, 2 महीने, उसके बाद क्या साल, सदियां, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिकली आपको वक्त का दौरानिया या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं उसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कहें, तो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा इजी हो गया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर लगता है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 2 hours, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर द पास्ट 2 days, वो पिछले 2 दिन से खेल रहा है। अक्सर नहीं बचपन में घर से ताना मिलता है, 2 दिन हो गए तो खेलता ही जा रहा है, पढ़ना नहीं है, अक्सर मिलता था ताना इस तरह का, तो वो हो गया। तो ये होता है आपका फॉर का इस्तेमाल, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इज इट क्लियर। सिंस और फॉर के इस्तेमाल में की क्लैरिटी हुई है आपको आज, मुनर्रा इसी इन द क्लास या चीज चीज इन द क्लास। जी सेंस और फॉर की क्लैरिटी होगी, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर द पास्ट 2 days, ठीक है, 2 दिनों से पिछले खेल रहा है, ठीक है, नहीं फॉर द पास्ट 2 days, क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं ना, अगेन मैंने वही कहा था अंग्रेजी से पंजाबी का द इज द मोस्ट मिसयूज आर्टिकल, द लास्ट 2 days डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि पिछले 2 दिन से,
इस जब हम किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं, जब हम किसी को किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो फिर हम द का आर्टिकल लगाते हैं. ठीक है ऐशा? यानी कि अभी देख लेते हैं एग्जांपल्स. हाँ, अगर डे का नेम ऑफ द डे डिफाइंड है, नेम ऑफ द डे, तो फिर आप कह दें ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मंडे. वेरी गुड, क्योंकि नेम ऑफ डे डिसाइड हो गया ना. पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया, पीरियड नहीं है. पीरियड इज दुरानिया, ड्यूरेशन. मंडे कोई ड्यूरेशन तो नहीं है ना, मंडे तो डे ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, नाम का दिन का नाम है. ठीक है, क्लियर? Yes, he has been studying since January. January का J capital होगा SM, क्योंकि नाम है ना. अच्छा, आप करेंगे past word को हटा दें, तो वो फिर आपकी मर्जी है. For the past कर दें, for the last कर दें, it's totally fine. आप for two days कर लें, लेकिन for two days ठीक नहीं होता. या तो आप past ले जाएंगे या फिर आप last लगाएंगे डेज में. ठीक है, अभी वो पीछे किसने कहा तला गिल, तला आपके लिए एग्जांपल, इन्हीं में से किसी को भी चेंज कर देते हैं. ठीक है, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे, यानी अभी मफरूजे पे चल रहा ना कि यार वो पिछले दो दिन से पढ़ रहा होगा. हम नहीं कहते यार वो क्या कर रहा है, यार ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा. ठीक है, तो ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे. ठीक है, गिल. चलें जी, अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे. ठीक है, अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे. अगेन वही पास्ट इनडेफिनेट जो है उसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है, वो है डिड, डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल. जिस तरह प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमारे पास इंटरोगेटिव या नेगेटिव जुमला बनाने में एक्सेप्शन थी, सिमिलरली पास्ट इनडेफिनेट में भी हमारे पास नेगेटिव या इंटरोगेटिव जुमला बताते हुए एक्सेप्शन आती है. ठीक है बच्चे, वुड नहीं आएगा, विल आएगा. ठीक है, अच्छा, अब पास्ट इंडेफिनिट में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही जो चीज ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड, दैट इज के did is always followed by the first form of the verb. वैसे तो past indefinite में second form लगती है ना, लेकिन जब did या did not का इस्तेमाल होगा तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. इट इज वन ऑफ दी कॉमन ब्लंडर्स दैट द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट मेक, कि वो did के साथ second form of verb लगा देते हैं. हालांकि ऐसा नहीं होता, डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डेड इज ऑलरेडी द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, डू डेड डन, तो डेड इज ऑलरेडी द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए हम डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला था. डिड यू प्ले? Did you go to school? Did you not go to school? ठीक है, तो इस तरह से होता है. Past continuous में भी हमारे पास ऐसे कोई exceptions नहीं है. Past perfect जो है, perfect continuous जो, उसमें भी कोई exception नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक confusion थी since और for के इस्तेमाल की. मैं उम्मीद करता हूं कि वो confusion जो है आप लोगों की खत्म हो गई होगी. अब आ जाए future पे. फ्यूचर इंडेफिनेट में भी हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. शेल और विल वाला, इसमें एक एक्सेप्शन है सिर्फ, कि जो आई और वी है, आई और वी दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय शेल. ग्रामेटिकली अगर आप प्योर ग्रामर की रूम से देखें तो आई और वी के साथ हमेशा शेल आता है, विल नहीं आता. आई और वी के साथ हमेशा शेल आता है. लेकिन
अभी जो मॉडर्न डे इंग्लिश चल रही है उसमें शेल थोड़ा सा ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है, ठीक है, शेल थोड़ा सा ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है कि वो आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं, ठीक है, और उसने एक शेल ने एक न्यू फॉर्म ले ली है कि शेल का इस्तेमाल अब हम अमूमन तब कर रहे होते हैं व्हेन वी वांट टू पुट एम्फेसिस ऑन समथिंग, जब हमें किसी चीज पे जोर देके बताना होता है या कहना होता है तो फिर हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वन यूज ऑफ शेल, ठीक है। ग्रामेटिकली आई एंड वी आर ऑलवेज फॉलोड बाय शेल, लेकिन अब जो है आप अगर विल भी लगा लें तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज अगर ग्रामर अगर तो सेंटेंस के एक्शन में जुमला आ जाता है आई विल बी गोइंग टू द स्कूल टुमारो, इसको करेक्ट करें तो फिर आपने नहीं आई विल बी नहीं सॉरी आई विल गो टू द स्कूल तो आप उसको आई शेल कर देंगे, ठीक है, या यू या अगर वी के साथ आ जाता है तो आप उधर शेल कर देंगे, लेकिन अभी जनरली जो है वो शेल ऑब्सोलीट हो गया, अब इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता, वो कब यूज हो रहा होता है जब आपने एम्फेसिस देना होता है, जब आपने किसी चीज पे जोर डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बस एक ये एक्सेप्शन थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी सच कुछ नहीं है, परफेक्ट दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, या आपको 10 स्लाइड मिलेंगी तो गो थ्रू दैम एटलीस्ट वंस, ठीक है, एक दफा इसको पढ़ना जरूर है आप लोगों ने। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि पीछे किसी ने एग्जाम्पल भी मांगी, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, या ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ये जो वही ग्रेड है जो हमने पीछे किया था विद रूल्स, ठीक है, यहां पे वही ग्रेड आ गया विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे हर एक का मैंने जुमला, एक ही मैंने बेस जुमला बनाया और उसी बेस जुमले पे मैंने तमाम टेंसेस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। देखे ना जैसे आई प्ले, आई प्लेड, आई शेल प्ले, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई शेल बी प्ले, आई विल बी प्लेइंग होगा, इसको मैं करेक्ट करके भेजूंगा, आई विल बी प्लेइंग, और आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, आई शेल हैव प्लेड, इसमें भी विल हैव प्लेड आएगा, इसको मैं ठीक कर दूंगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड द टेंसेस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एक्टिवली एंड पेशेंटली।